नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आगे रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की। दुनिया भर के 19 देशों में फैल चुके रहस्यमय वायरस मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो चुका है। केंद्र से एडवाइजरी मिलने के बाद यूपी के स्वास्थ्य महानिदेशालय ने मसौदे को तैयार करके सभी जिलों के सीएमओ को भेज दिया है। विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे शब्दों से हमला किया तो वो भड़क गए। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि आपके बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को पटल पर रखा। उनके साथ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट को पेश किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 6,15,518,000 करोड़ का है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर आ रहे हैं। वह गीता प्रेस में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वह लीला चित्र मंदिर में भी कुछ समय व्यतीत करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बावजूद भी सब्जियों के भाव में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पिछले सप्ताह से सब्जियों का रेट जस का तस है। आलू 25, टमाटर 60 से 70, परवल 60, प्याज 20, करेला, बैंगन, बोड़ा और कुंदरू और मिर्चा 40 रुपए किलो भाव से बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।